अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, मैं तारिक अब्बास अब्बास रेबट फार्म से, और आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रेग्नेंट फीमेल वेरिफिकेशन के हवाले से कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा जनाब कि आपकी फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो न्यू फार्मर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ, क्योंकि उनको बहुत सारे परेशानी होती है। वो फ़ोन और मैसेजेस करते रहते हैं कि जी हमें कोई आइडिया नहीं है, हम कैसे अंदाज़ा लगाएं। एक तरीका ये है कि जब आप फीमेल को मेल से मेट करवाते हैं, मेट करवाने के बाद वो डेट अपने पास लिखें और उसी टाइम उस फीमेल का आप वज़न करवाएं, और फिर 20 दिन बाद दोबारा आप वज़न करवाएंगे फीमेल के मेट होने के बाद जो 20 दिन होते हैं वो दोबारा फीमेल का वज़न करें। अगर कि फीमेल का वज़न 250 या 200 के करीब ग्राम, 250 ग्राम या 200 ग्राम अगर फीमेल का वज़न ज़्यादा हो चुका होगा 20 दिनों में, तो आपकी जो फीमेल है वो कंफर्म प्रेग्नेंट है। फिर आपने एहतियात करना है कि दोबारा आप उसको क्रॉस ना करवाएं, ठीक है जी। ये एक तरीका है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट दोस्त हैं वो लोग तो हाथ से चेक करते हैं, वो थोड़ा रिस्की भी होता है, तो उससे जो एक्सपर्ट दोस्त हैं उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है और उसके अंदर बच्चे हैं। लेकिन आप लोग हाथ से चेक मत कीजिएगा जो नए दोस्त हैं, क्योंकि अगर आप हाथ से चेक करेंगे उनके बनीस को प्रेस करेंगे तो उनसे उनकी मौत भी हो सकती है जो उनके अंदर ही होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वज़न वाला आइडिया है इसको अपनाएं, इससे आप लोगों को है जो अंदाज़ा हो सकता है। उसके अलावा जो 20-22 दिन हो जाते हैं एक फीमेल प्रेग्नेंट के, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी इस तरह बैठती नहीं है। वो जब लेटती है थोड़ा सा तो उसका जो पेट होता है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल आता है, जिससे क्लियरली आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सकता है कि जी इसका पेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है और जो पेट है वो बाहर की तरफ निकल आया है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। कुछ दोस्त ये करते हैं कि जनाब फीमेल को क्रॉस करते हैं और फिर उसके 10 दिन बाद या 12 दिन बाद दोबारा मेल को छोड़ देते हैं, तब फीमेल आवाज़ें भी निकालती हैं, क्योंकि फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, वो कभी भी क्रॉस के लिए रेडी नहीं होती, और वो कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है उसको क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ फीमेल क्रॉस हो भी जाती है, मेट हो भी जाती हैं मेल से। उसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि 3 प्रेगनेंसी एट ए टाइम जो है एक फीमेल रैबिट ने कंज्यूम की हुई है। ये हमारे अपने एक फीमेल रैबिट के साथ हम ये कह सकते हैं कि गलती कह सकते हैं, उसकी वजह से इस तरह हुआ है। तो फीमेल रैबिट वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो 2 से 3 प्रेगनेंसी जो है एट ए टाइम जो है कंज्यूम कर सकती है और उसको आगे लेके चल सकती है। उसमें बच्चे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चे बचें, लेकिन साथ में जो फीमेल होती है उसके भी मरने के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो मर जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वज़न वाला आइडिया मैंने आप दोस्तों को दिया है, कोशिश करें आप इसको ही अपनाएं, और मेट करने के बाद दोबारा 8 या 10 दिन बाद जो है फीमेल को कभी भी मेट ना करवाएं। अगर पहले से उसने प्रेग्नेंट होगी और दोबारा आप क्रॉस करवाओगे तो जो मसला होगा वो मैं आप दोस्तों को जो है वो बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।